शुक्रपति, जय हनीमैन। आज हम फिर हाजिर हैं एक और दवाई के साथ जिसका नाम है सुराइनम। तो आप सबको मालूम ही है सुराइनम की सिम्टोमेटोलॉजी, क्योंकि ऐसी दवाई है जो रूटीन है, हर रोज यूज किया जा सकता है और हर रोज क्लिनिक के अंदर भी प्रैक्टिस होता है। कल हमारा एक डिस्कशन हुआ पॉलीफार्मेसी, मोनोफार्मेसी, सिंगल डोज, रिपीटेशन, इन सब के ऊपर। सो आज के व्याख्यान की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि हनीमैन साहब ने हमें सिद्धांत दिए हैं, हमें बताया है कि हमें किस तरह से करना है, कैसा करना है। अब सांप्रत परिस्थिति का अभ्यास करना होता है, कौन सा बंदा किस परिस्थिति में किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी को भी हमें जज नहीं कर रहा होता कि वो गलत कर रहे हैं, गलत कोई नहीं होता है। अगर आप होम्योपैथी कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे मित्र भी हैं जो लोग सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज का ही प्रयोग करते हैं, एक ही दवाई, एक ही डोज देना है और बस, फिर वेट एंड वॉच करना है, तो वो भी होम्योपैथी ही है। कुछ ऐसे मित्र हैं कि जो सिंगल मेडिसिन देते हैं लेकिन दो तीन चार पांच डोजेस के अंदर देते हैं, 3 दिन डोज दिया, 2 दिन दिया, बीडी दिया, टीडीएस दिया, 7 दिन दिया, तो वो भी होम्योपैथी ही करते हैं। कई ऐसे मित्र हैं कि जो सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम का प्रयोग करते हैं, सुबह को एक मेडिसिन दिया, 2 दिन एक मेडिसिन दिया, उसके बाद दूसरा मेडिसिन दिया, सुबह को एक मेडिसिन दिया, दोपहर को दूसरा मेडिसिन दिया, या तो एक मेडिसिन के बाद दूसरा मेडिसिन दिया। उनका कहना है सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम, तो वो भी होम्योपैथी ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब एक साथ ही 2 या 3 दवाइयाँ देते हैं, तो वो लोग भी होम्योपैथी ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी के दवाई के साथ बायोकेमिक मेडिसिन या बायोकेमिक कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग भी होम्योपैथी ही कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ मदर टिंचर या लोअर पोटेंसीज का प्रयोग करते हैं साथ में, तो वो लोग भी होम्योपैथी ही कर रहे हैं। ये होम्योपैथी के अलग अलग पहलू हैं और सांप्रत परिस्थिति को देखना चाहिए। वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने किस परिस्थिति के अंदर होम्योपैथी को जिंदा रखा है, किस परिस्थिति के अंदर गुजर कर होम्योपैथी कर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए और केस को भी देखना चाहिए कि कौन सा केस है, किस तरह का केस है। उसमें अगर कोई बायोकेमिक मेडिसिन या कोई मदर टिंचर साथ में दिया है तो क्यों दिया है, वो देखने के बाद हमें देखना है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन हम अपने तौर तरीके से सोचते हैं, यही तो डिफरेंस है ना होम्योपैथी में। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी सैद्धांतिक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी प्रैक्टिकल हैं। सो जब क्लिनिक में आते हैं तो हमें बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है जो सैद्धांतिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों को परिस्थिति और समय के आधार पर देखना पड़ता है। तो उस तरह से ये सब होम्योपैथी ही करते हैं, लेकिन हनीमैन साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत हमारा आइडियल है, वहां पर पहुंचना गोल है, लेकिन उसके लिए हमें जर्नी करनी है और उस जर्नी में हमें जिस तरह से जिस बंदे को जैसे भी मिलता है वो करते जाते हैं। जिनको जिस तरह से सीखने को मिला, जिनको जिस तरह से अपना अनुभव हुआ, वो उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। सो हमें किसी को अच्छा या बुरा, सही या गलत के अंदर विभाजित नहीं करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनको करने देना है। हमें जो सिद्धांत मिले, हमें जो सच्चा लगे, इसमें से हमें जो सीखने को मिले, हमारी प्रैक्टिस के दौरान, क्लिनिक के दौरान हमें जो सत्य मिले, उस सत्य पे हमें चलना है और दूसरों को बताना है कि हम इस तरह से चल रहे हैं, आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से चलिए, नहीं अच्छा लगे तो इट्स योर विश, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो न लीजिए। क्योंकि हर बंदे का अपना चॉइस होता है, वो उस सिद्धांत को अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। तो हम गुरुकुल का यही अर्थ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आपको बताया कि सिंगल मेडिसिन के साथ इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा उस तरह से ऐसे भी केसेस बताएंगे आपको जहां पे मदर टिंचर्स का यूज करना, आप इन्फ्लामेटरी फीवर्स का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको मदर टिंचर्स के प्रयोग बताए हैं, बायोकेमिक मेडिसिन के प्रयोग, तो वो सब आता है। हर एक का अपना अपना अनुभव होता है। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, आपको उसमें से जो भी ठीक लगे वो लीजिए, ठीक नहीं लगे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं।
हम किसी को गलत नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस रास्ते पे चलते चलते हम इधर तक पहुंचे हैं, आप भी जल्दी से इधर तक आ जाइए, अगर आपको आना हो तो हम साथ में चलेंगे, आप जिस जहां चल रहे हैं वहां आपको कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है तो आप वैसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज देखते हैं सोराइनम का सिम्टोमेटोलॉजी क्या है। पहला इंडिकेशन चिली, दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, उसके बाद फल्दी बॉडी ऑर्डर, फल्दी लाइक रॉटन एग, ब्रैकेट में क्रियोसोटम दिया, मतलब सड़े हुए अंडे जैसा बास मारना, इतना बास मारना की बात ही मत पूछिए। कैडेवरस टाइप ऑफ ऑर्डर, प्रोटीन जब सड़ जाता है तब जिस तरह की बास आती है वैसी बास, आपको अगर एब्सेस हुआ है और वो फोड़ा जाता है तब जो बास आती है वैसी बास, सड़ी हुई बास। तो कहीं से भी, चाहे मेंसिस में से, चाहे पस्पिरेशन में से, चाहे डिस्चार्ज में से, चाहे कोराइजा में से, चाहे स्पूटम में से, चाहे यूरिन में से, चाहे स्टूल में से, कहीं से भी अगर सड़ी हुई बास आ रही है, चाहे ब्रेथ में से, आपको हम इंडिकेशन बताएंगे जब लास्ट स्टेज ऑफ केसेस के अंदर सोराइनम इंडिकेटेड है तो ऑफेंसिव ब्रेथ मिलेगा आपको, इतना ऑफेंसिव कि उसके बगल में कोई बैठ नहीं सकता। तो कहीं से भी अगर ऐसा सड़ा हुआ बास मिल रहा है तो इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम। अनहेल्दी स्किन, डर्टी अपीयरेंस थ्रू वॉश्ड फेस, ग्रीजी ऑयली स्किन है, ग्रीजी स्किन है, चड़काट वाली शाइनिंग है और चिकास लगता है, ऐसे करेंगे तो आपको चिकना लगेगा, वो आपको खुद बताएगा कि मेरी स्किन ऑयली है, ग्रीजी है, चिकनी है, और धोने के बाद भी तुरंत डर्टी हो जाती है, क्यों? क्योंकि चिकनी है, जो भी धूल आएगा, रजकन आएंगे, वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। एक्सक्रीशंस फॉल कैरियन लाइक ऑर्डर, ऑर्डर परमिट द हाउस, पूरे घर के अंदर वो बास आ जाता है, कहीं पे आप विजिट में गए, आईसीयू में गए, या तो घर पे गए, डॉक्टर साहब पिताजी का बहुत ख्याल रखते हैं, आपने देखा कि नॉन हीलिंग अल्सर है और उसमें से उजिंग हो रहा है, लेकिन ये इतना बदबू मारता है डॉक्टर साहब, देखिए पूरा घर बदबू मार रहा है, इनको अलग रूम में रखना, अलग घर में रखना पड़ता है। मरीज आपको बोलेगा डॉक्टर साहब इतना बास मैं खुद नहीं रह पा रहा हूं, और अनहेल्दी स्किन है, चिली है और थस्ती है, तो आपका मेडिसिन कैन बी सोराइनम। एक्सेसिव इचिंग, उस अनहेल्दी वुंड के अंदर इचिंग मिल रहा है, कहीं पे भी अगर इचिंग मिलता है, चाहे पाइल्स हो, चाहे इरप्शन हुए हो, चाहे स्कैबिस हो, लेकिन अगर इचिंग मिलता है देन इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम। डिस्पेयर फ्रॉम इचिंग ऑफ द स्किन, डॉक्टर साहब इतनी दवाइयां कर ली, आप बात मत पूछिए, अब तो मुझे लग रहा है कि ये खुजान हमको नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको एक्जिमा हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे रिंगवर्म हो, चाहे स्कैबिस हो, डिसीज का नाम कुछ भी हो, बहुत सारियां दवाइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है, डर्टी अनहेल्दी स्किन है, ऑफेंसिवनेस मिल रहा है और चिल्ली मरीज है, तो आपका मेडिसिन वहां पे भी सोराइनम हो सकता है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, वियर्स अ फर कोट इन द समर, इतना चिली के समर के दौरान भी कोट पहनना, बहुत ठंड लगती है, ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो पाती है, सेंसिटिव टू कोल्ड, हंग्री इन द मिडल ऑफ नाइट, रात को डॉक्टर साहब 12 1 2 3 बजे बहुत भूख लग जाती है, उठ के खाना पड़ता है, विच इज अ मेडिसिन फॉर हॉर्सनेस ऑफ स्पीकर्स। आज दूसरा लेक्चर हो रहा है, दोपहर को एक व्याख्यान लिया, अभी दूसरा व्याख्यान शुरू है और हर बार जोर से बोलना पड़ता है। हंग्री एट द मिडल ऑफ नाइट, अगर स्किन का डिसीज है, बहुत टाइम से डिसीज चल रहा है, रात को 12 बजे 1 बजे उठ के खाना पड़ता है, मरीज चिली है, तो आपका मेडिसिन सोराइनम। अगर पाइल्स का दिक्कत है, इचिंग है, बहुत टाइम से चल रहा है, मरीज चिली है, रात को 12 बजे उठ के खाना पड़ता है, आपका मेडिसिन सोराइनम। पता चल रहा है, अगर क्रोनिक कोराइजा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत दवाइयां खाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, रात को 2 बजे उठ के खाना पड़ता है, आपका मेडिसिन कैन बी सोराइनम। पैथोलॉजी और डिसीज का नाम मत सोचिए,
आपके आंखों के अंदर स्कैनर लगना चाहिए. व्हाट इज पीक्यूआरएस, व्हाट इज पीक्यूआरएस. जो भी पीक्यूआरएस मिले वो पीक्यूआरएस को तुरंत पकड़ लीजिए. वो कौन सा डायलॉग था? चीते की चाल, बाज की नजर और होम्योपैथ की आंखें. चीते जैसी चाल होनी चाहिए आपकी, बाज जैसी नजर होनी चाहिए. पीक्यूआरएस पकड़ ले. बाज क्या करता है? ऊपर शांति से उड़ता रहता है ना, शांति से उड़ता है. लेकिन जैसे उसे नहीं दिखता है कि शिकार है, सीधा शिकार के ऊपर झपट दिया और लेके उड़ गया. उसी तरह से होम्योपैथिक केस टेकिंग के दौरान, केस रिसीविंग के दौरान, हाँ और ओके बताइए, ओ क्या बात करते हैं, हाँ हाँ ऐसा होगा. इस तरह से सिर्फ हमें बाज की तरह शांत रहना है. लेकिन पीक्यूआरएस है, जाओ ले लो. चीते में क्या होता है ऐसा ही. सबसे चपल प्राणी है ना, चालाक है, स्पीड बहुत है. क्या करता है चीता? एकदम छुप के बैठा रहता है और देखता है कि अब शिकार आ गया, तब जाके ऐसे निकलता है, सीधा शिकार को पकड़ लिया. तो उसी तरह से बैठा रहना है बाज की नजर से, चीते की तरह बैठा रहना. पीक्यूआरएस साइड में ले ले, पीक्यूआरएस साइड में ले ले, पीक्यूआरएस साइड में ले ले. हाँ अब ये सोराइनम है, चपट लो, दे दो सोराइनम. सो हमें उनमें से भी कुछ ना कुछ सीखना है. मेंसिस अर्ली, प्रोफ्यूज और टू लेट एंड फॉर वन डे ओनली. स्केंटी मेन्यू से स्केंटी भी हो सकता है, एक ही दिन के लिए. लेकिन एक दिन क्या आता है, बहुत मानसिस आता है लेकिन एक ही दिन आता है तो भी सोराइनम सोचना है. एक दिन आता है तो भी सोराइनम सोचना है. कम आता है तो भी सोराइनम सोचना है. अर्ली आ जाता है तो भी सोराइनम. अर्ली मेंसिस, इचिंग एट वजाइना सिंस मेनी डेज, बहुत थक गए दवाई कर करके, रात को 1-2 बजे उठ के खाना खाना पड़ता है और चिली मरीज है सोराइनम. अर्ली मेंसिस, मेंसिस इज लाइक रॉटन एग, बहुत मांस मारता है. मैं घर में नहीं बैठ सकती, मुझे अलग बैठना पड़ता है, रात को 1 बजे उठ के खाना पड़ता है और चिली मरीज है आपका मेडिसिन सोराइनम. वेरी ऑफेंसिव, ऑब्स्टिनेट, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, Not ameliorated by other drug. Leucorrhea fetid, horrible, putrid and large clotted lump. Obstinate vomiting. Pregnancy के दौरान है, चाहे pregnancy के दौरान नहीं है, लेकिन vomiting है और दूसरे drug काम नहीं कर रहे हैं. Another indication is it is no sod ना. So well selected medicine fails. So pregnancy के दौरान vomiting है, chilly मरीज है, रात को उठ उठ के खाना खाती है और दूसरे मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे एएनसी में भी आपका मेडिसिन सोराइनम हो सकता है. ल्यूकोरिया फैटीड, हॉरिबली पुट्रिड एंड लार्ज क्लॉटेड लम्प्स. ल्यूकोरिया के अंदर भी लम्प्स आना, 2-3 केसेस मिले थे और सबके अंदर, एक के अंदर सोराइनम था और एक के अंदर शायद क्रियोसोट प्रिस्क्राइब किए थे, एक के अंदर याद नहीं है. ल्यूकोरिया कैसा? लम्प्स, टुकड़ा पड़े छे, गठ्ठा पड़े छे ल्यूकोरिया के अंदर. सो इट इज अ इंडिकेशन फॉर सोराइनम. इंपॉर्टेंस, नो एमिशन एट कोइटस, सेमिनाइल डिस्चार्ज ही नहीं होता है कोइटस के दौरान, देन इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम. रेस्टलेस, टॉसिंग अबाउट, रेस्टलेस है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फीट होता रहता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है, बहुत सोच विचार आते हैं, ऐसे इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, ऐसे किया, तो वहां पे भी सोराइनम सोचा जाता है. वॉशिज हिज हैंड एंड फीट कॉन्स्टेंटली, इसके हेड और फीट कॉन्स्टेंटली वॉश करता रहता है. क्यों? पर्सपिरेशन होता है, ऑफेंसिव है,
और क्लीनलीनेस मेनिया हो सकता है, कुछ भी है, अगर बार बार हाथ धोता है देन इट इज इंडिकेशन ऑफ सोराइनम। हम क्या करते हैं, बार बार हाथ धोता है, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, ऐसा ले लेते हैं, इट इज अवर अजम्पशन, हमारी धारणा है। वो तो बोल सकता है डॉक्टर साहब मेरे हाथ में से बदबू आ रही है इसीलिए धो रहा हूं। वो क्यों कर रहा है उसके पीछे नहीं पड़ रहा है, कर रहा है, दैट मींस इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम। डिसीज कुछ भी हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिज हिज हैंड एंड फीट कॉन्स्टेंटली, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन रिलीव्स कंप्लेन। पर्सपिरेशन नहीं, कोई भी डिस्चार्ज के साथ अगर कंप्लेन रिलीव होती है देन इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम। हेडेक है लेकिन मेंसिस के दौरान चला गया, चिली है और रात को 12 बजे उठ के खाना खाता है, आपका मेडिसिन सोराइनम। माइग्रेन है लेकिन पर्सपिरेशन होता है तो माइग्रेन कम हो जाता है और मेंसिस के अंदर बहुत बास आती है, मेडिसिन चिली है, आपका मेडिसिन सोराइनम। पता चल रहा है डिसीज कुछ भी हो सकता है, उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है, PQRS मिलने चाहिए। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन रिलीव्स कंप्लेंट, लेकिन हम क्या करते हैं बार बार हर चीज को बोनिक हुसैन साहब की नजरों से देखते हैं, तो वो क्या कहेंगे इसमें, पर्सपिरेशन पे रिलीव हो तो भी सोराइनम सोचिए, मेंसिस से रिलीव हो तो भी सोचिए, ल्यूकोरिया से रिलीव हो तो भी सोचिए, किसी भी डिस्चार्ज से अगर कंप्लेन रिलीव होता है देन इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम। कॉजेशन, सप्रेशन ऑफ स्वेट किस तरह से हो सकता है, आप बहुत पढ़ते हैं ना सप्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना दबाया जाना, किस तरह से पसीना दबाया जाता है, यस, पाउडर लगाना, अतर लगाना, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस लगाना, तुरंत ठंडी हवा में चला जाना, तुरंत ठंडे पानी में हाथ भिगो देना, तो वो पूरी प्रोसेस है। जो क्या होता है, कोई भी डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ एनर्जी भी लॉस होती है, ये बॉडी का प्रोसेस है, इसको हम मालूम नहीं है, साइंटिफिक तौर से नहीं समझा सकते क्योंकि अभी तक हम उस एनर्जी साइंस को समझ सके उस लेवल में नहीं है, लेकिन फिलोसॉफिकल वे से अगर देखा जाए तो हर डिस्चार्ज के साथ कुछ एनर्जी लॉस होती है और हमारा वाइटल फोर्स ज्यादातर उस मायास्मेटिक एनर्जी को डिस्चार्ज के अंदर लॉस करता है। सो उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम अपना दिमाग लगाते हैं कि मेंसिस आ रहा है, ऐसी गोली ले लूं जिससे मेंसिस जल्दी बंद हो जाए, ऐसी एक काम करूं मेंसिस आने वाला है ऐसी गोली ले लूं जिससे मेंसिस ना आए, पसीना बहुत होता है तुरंत ठंडे पानी में हाथ डाल दूं, फलाना पाउडर लगाऊं जिससे पसीना ना आए। आप अपने बॉडी का कचरा निकालने की प्रोसेस को स्टक कर रहे हैं तो क्या होएगा, वो अंदर ही रह जाएगा, अंदर ही रहेगा तो क्या होएगा, डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है। सो इट इज कॉल्ड सप्रेशन ऑफ स्वेट। सो सप्रेशन ऑफ स्वेट नहीं, सप्रेशन ऑफ एनी डिस्चार्ज, चाहे सप्रेशन ऑफ कोराइजा मिले आपको, कफ का पेशेंट मिले कोराइजा सप्रेशन करने के बाद कफ हुआ है, चाहे उसको डायरिया सप्रेशन करने के बाद इनटू ससेप्शन या कोई भी एब्डोमिनल डिसीज मिले, चाहे कफ सप्रेशन करने के बाद दूसरा कोई डिसीज मिले, किसी भी डिस्चार्ज को अगर सप्रेस किया गया और उसके बाद दिक्कतें शुरू होती हैं देन इट इज इंडिकेशन फॉर सोराइनम, और डिस्चार्ज शुरू होता है तो दिक्कत कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ, बॉडी अपने आप से हील हो रहा था, आपने उसके अंदर अपनी टांग लगाई है, आपने उसको सप्रेस किया है, बॉडी उसको एक्सप्रेस कर देगा। फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, ये आपका होमवर्क है, इमोशनल एक्साइटमेंट को कब लेना है, किस तरह से ले सकते हैं, मरीज आके क्या बोलेगा। स्ट्रेचिंग टू रीच हाई प्लेसिस, हाई प्लेसिस के ऊपर जाना, वहां क्या होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो हाई प्लेसिस के जाने के बाद कोई भी दिक्कत शुरू होती है, चाहे वर्टिगो हो, चाहे नोजिया हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे स्किन डिसीज हो, चाहे अस्थमा हो, कुछ भी हो और दूसरे दो तीन इंडिकेशन मिल रहे हैं तो वहां भी आपका मेडिसिन क्या हो सकता है, सोराइन। लॉस ऑफ फ्लूइड्स, चाहे डायरिया के बाद, चाहे मेंसिस के बाद, रक्तदान करने के बाद, वॉमिटिंग हो जाने के बाद, चाहे सेमिनाइल एमिशन के बाद कोई दिक्कत शुरू होती है तो वहां पे भी सोराइनम सोचा जा सकता है। ओवरलिफ्टिंग, बहुत काम कर लिया अब बैक के मसल्स दुख रहे हैं तो वहां पे भी सोराइनम सोचा जाना चाहिए। स्प्रेन्स, इंजरीज, सो हर बार आर्निका, रस्टॉक्स, रूटा नहीं ले लेना है, इट कैन बी फ्रॉम सोराइनम, अगर दूसरे इंडिकेशन गाइड करते हैं तो।
लॉन्ग पास्ट इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी डिसीज लॉन्ग टाइम से रहना इन्फेक्शियस डिसीज। अभी कोई मरीज है, हर 15 दिन पे 3 बार रिपोर्ट करवाएं और हर बार पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी वाला जो डिसीज चल रहा है। बहुत वीकनेस है लेकिन अब भूख बहुत लगती है, रात को भी उठ के खाते हैं और बलगम में बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होएगा? 15 दिन का इन्फेक्शियस डिसीज का पीरियड था, उसके बाद बहुत वीकनेस रह गई है और खुजान शुरू हुई है, चिली मरीज है, आपका मेडिसिन सुराइनम। रूटीन प्रैक्टिस करना है। पता नहीं हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने पढ़ा और आपको बता दिया, ये सब हमने की हुई चीजें हैं, इसीलिए आपको बताते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका अनुभव जुदा है, आपको ये नहीं जम रहा है, तो इट्स योर चॉइस, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हमने जिस तरह से हनीमैन को जाना है, जिस तरह से सिद्धांतों का प्रयोग किया है, लोग कहते हैं कि बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिस में फैल जाते हैं, हो सकता है अब ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो जो भी है प्रयोग कर रहे हैं, बने उतना अपना अनुभव हम आपको बांट रहे हैं, आपको जितना अच्छा लगे वो लीजिए, अच्छा ना लगे तो छोड़ दीजिए, हमारा भूल हो तो हमें मैसेज कीजिएगा। सो इन्फेक्शियस डिसीज का हिस्ट्री है, चाहे वो स्कैबिस का इन्फेक्शन हो, चाहे पेडिकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, चाहे वर्म हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे HIV भी हो सकता है। मालूम चल रहा है हनीमैन क्या लिख के गए हैं, क्या दे के गए हैं? सिद्धांत। लोग क्या कहते हैं कि सिद्धांत को चेंज करना चाहिए, मेरे दादा होते वो धोती पहनते थे तो मैं भी आज क्या धोती पहनूं? ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि धोती पहनो, सिद्धांत का मतलब ऐसे है कुछ भी ऐसा पहनो जिससे आपका शरीर ढका रहे, इसको सिद्धांत कहते हैं। दादा के जमाने में धोती पहनते थे, उससे पुराने जमाने में पेड़ पौधे के जो छाल थी, छिलके थे, वो पहनते थे, उससे पहले चमड़ा पहनते थे, उसके बाद अब क्या हो रहा है कि हमारे पिताजी थे तो वो पैंट शर्ट पहनते हैं, हम जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन हर जनरेशन में लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को किसी चीज से ढकते हैं। सिद्धांत का मतलब ये है कि अपने शरीर को किसी चीज से ढको, फिर वो क्या होता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे धोती हो, चाहे पतलून हो, चाहे चमड़ा हो, चाहे पेड़ पौधों की कोई चीजें हो, वो समय टू समय चेंज होता रहेगा। इन्फेक्शियस डिसीज लिखा हुआ है तो पास्ट के अंदर शायद स्कैबीज या मलेरिया रहा होगा, लेकिन अभी के जमाने के अंदर हम ट्यूबरकुलोसिस या HIV या दूसरे इन्फेक्शियस डिसीज ले सकते हैं, आने वाले कल में और कोई डिसीज भी हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत चेंज नहीं होगा। सिद्धांत का मतलब धोती से नहीं है, सिद्धांत का मतलब प्रक्रिया से है। सिद्धांत का मतलब ये है कि आपके ऊपर छत होनी चाहिए, चाहे वो घास से बनी छत हो, चाहे पत्थर की गुफा हो, चाहे हमारी अभी बनाई सीलिंग हो, चाहे आप पेड़ के नीचे बैठे हो, सिद्धांत का मतलब ये है। मालूम चल रहा है? और उसका किस तरह से प्रयोग करना है वो हमें जितना अनुभव है वो हम आपको बता रहे हैं, आगे आपको अनुभव करना है उसके मुताबिक आगे चलना है। मोडालिटी, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर और ह्यूमन बैरोमीटर और वर्स टू ओपन एयर। ओपन एयर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कोल्ड एयर में अच्छा नहीं लगता है। चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन, अब हर बार चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन में फॉस्फरस नहीं सोच लेना है, सुराइनम भी साथ साथ सोचिए। एवर्जन टू वॉशिंग, स्ट्रॉमी वेदर, हीट ऑफ बेड और वुलन्स, ईयरली और फुल मून, फुल मून एग्रावेशन। होम्योपैथी कितना प्रिसाइज साइंस है दोस्तों, कितना माइन्यूट लेवल के ऊपर काम किया गया है कि हर बार पूर्णिमा के दिन ही दिक्कतें बढ़ जाना, अस्थमा आता है पर डॉक्टर साहब हमने मार्क किया है हर बार पूर्णिमा होती है, और मरीज मार्क नहीं कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर तो मार्क कर सकते हैं, उनको बोलना कि जब जब अस्थमा का अटैक आए तारीख लिखो, वो तारीख 3 महीने का लेके आए तो उसमें निकालो कि हर बार पूर्णिमा के
अगल बगल का ही समय है, मतलब फुल मून एग्रावेशन है। ईयरली हर बार समर में ही दिक्कत होना, हर बार विंटर में ही दिक्कत होना, हर बार वसंत ऋतु के अंदर ही दिक्कत होना, पानखर के अंदर ही दिक्कत होना, पूरे एक साल के बाद ही होता है, चाहे वो मलेरिया ही क्यों ना हो। दूसरे दो तीन इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी सोराइनम सोचा जाता है। लाइंग विथ हेड लो, एमिलोरेशन फ्रॉम लाइंग विथ हेड लो, हेड हाई में कौन सा मेडिसिन है? पल्सेटिला, और हेड लो में सोराइनम। एमिलोरेशन फ्रॉम प्रोफ्यूज स्वेट, ऑल कंप्लेंट, स्वेट नहीं कोई भी डिस्चार्ज अगर आएगा, अगर आप मेडिसिन दिया और उसके बाद डिस्चार्ज अपियर हो रहा है, देन इट इज गुड साइन और पेशेंट को रिलीव होना चाहिए। लेकिन सिर्फ डिस्चार्ज ही बढ़ रहा है तो इट मे बी डिसीज एग्रावेशन, डिसीज ऐसा हो जो डिस्चार्ज कर सकता हो तो इट मे बी डिसीज एग्रावेशन, इसको गुड साइन नहीं लेना है। एमिलोरेशन फ्रॉम हार्ट प्रेशर, वॉशिंग पार्ट्स, अब एवर्जन टू वॉशिंग है लेकिन पार्ट्स को वॉशिंग करने से अच्छा भी लगता है। ईटिंग इन अ वार्म रूम, और बंद कमरे में, गर्म कमरे में अच्छा लगता है, खाना खाने के बाद अच्छा लगता है। अब मेंटल रूब्रिक्स, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, डिस्पेयर ऑफ हेल्थ, डिस्पेयर अबाउट बिजनेस, डिस्पेयर अबाउट मनी। अब मरीज हैं उसमें से इतना बास है, डॉक्टर साहब लगता है अंदर सब कुछ सड़ गया है, अब आपकी कोई दवाई से हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमें लगता है हम इतना मेरा बिजनेस लॉस हो गया है, अब मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है मैं रिकवर हो पाऊंगा, तो डिस्पेयर। फियर ऑफ फेलर इन द बिजनेस, फेलर इन द एग्जामिनेशन, फेलर इन द लव, फेलर इन द प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे होम्योपैथी नहीं करना है, फेल हो जाऊंगा तो, नहीं चलेगा तो, ऐसा डर रहेगा। अगर रात को 12 1 2 बजे उठ के खाना खाते हैं, बहुत भूख लगती है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, तो वहां पे भी सोराइनम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। Fear itself a disease. Forsaken feeling, anxiety about the future. Forsaken feeling का हमारा बात हो चुका है पहले के वीडियो में। Anxiety about future, बहुत सोचना क्या होगा, कैसे होगा। Delusion was going to lose his fortune that he is poor. सब कुछ चला जाएगा मेरा, अब मैं गरीब हो जाऊंगा। Discouraged, fear of misfortune. मतलब misfortune का मतलब कुछ गलत होने वाला है, मुझे लगता है कुछ गलत होएगा, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। मरीज ऐसा कुछ बोले तो उसको मिसफॉर्च्यून लेना है और सोराइनम का इंडिकेशन मानना है, ऐसा ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब आई हैव फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून प्लीज गिव मी सोराइनम, ऐसा कोई आके नहीं कहने वाला है। फियर ऑफ डिजास्टर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ कैंसर। अब आप कहेंगे सोराइनम तो सोरिक मेडिसिन है, इसमें फियर ऑफ कैंसर कहां से आ गया, वो तो कार्सिनोसिन के अंदर होना चाहिए। नहीं, फियर ऑफ एनी डिसीज मिलेगा तो सोराइनम सोचना है। अभी अभी फियर ऑफ इंफेक्शियस डिसीज बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूस हाथ धो रहे हैं और बहुत एंजाइटी अबाउट फ्यूचर है, तो वहां पे भी सोराइनम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आर्सेनिक के साथ साथ पैरेलल में चलेगा ये मेडिसिन, आर्सेनिक है, कलकरिया काब है। इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क, सैडनेस एंड डिप्रेशन, मतलब लेट स्टेज, नो जॉय इन एनीथिंग, फियर ऑफ बिजी स्ट्रीट, ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी ऑफ कंसाइंस, कल के ही व्याख्यान में हमने बात की है। सो अब बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो व्याख्यान देखिए, और एक बार नहीं बार बार देखिए। साधना की यही ताकत है, यही चीज है कि ऐसा बंदा है जिसका आईक्यू लेवल कुछ भी हो लेकिन अगर वो साधना करता है तो वो सफलता पा सकता है, क्योंकि हम उन पूर्वजों में से हैं, हमारे पूर्वज वो लोग हैं जिन्होंने कभी साधना में विश्वास रखा है, बुद्धि में विश्वास नहीं रखा है, शक्ति में विश्वास नहीं रखा है। कालिदास का वाक्या तो आप सबको मालूम ही है, जिन्होंने बहुत महाकाव्य रच दिए और जो पहले कैसे थे, एकदम मूर्ख व्यक्ति थे, ऐसी बातें सुनी हुई हैं, क्या था वो हमें नहीं मालूम। दूसरे एक बहुत अच्छे ऋषि थे वाल्मीकि, आपने नाम सुना होगा,
जो पहले क्या थे, डाकू थे ना, लूट करते थे। फिर क्या हुआ, नारद मुनि से भेंट हो गई। नारद मुनि ने उन्हें क्या कहा, ज्ञान करवाया नारद मुनि ने। फिर उन्होंने क्या कहा, वाल्मीकि ऋषि तपस्या करने गए, साधना करने गए, इतनी साधना की कि उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, दूसरे जीव जंतु उस मिट्टी के अंदर रहने लगे, फिर भी वाल्मीकि महाराज अपनी साधना से नहीं हटे। आप इतना करते हैं, आधे घंटे का वीडियो भी आपसे नहीं देखा जाता है, पूरा वीडियो भी नहीं देखा जाता है। कई लोग तो 2x में देखते हैं, कई लोग तो काट काट के देखते हैं, कई लोग तो देखेंगे, शुरू करेंगे 1 मिनट 2 मिनट फिर छोड़ देंगे। हम तो आपको बार बार की बात कर रहे हैं, बार बार की इतनी साधना होगी तब जाके वाल्मीकि महाराज ने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। जितनी साधना आपकी लेवल अप जाएगी, उतना ही आपकी प्रैक्टिस का भी लेवल अप जाएगा। और साधना कब की वाल्मीकि महाराज ने, उनकी वही दो आंखें थी, वही नाक था, वही मुंह था, वही शरीर था, वही हाथ थे जो कुल्हाड़ी लेके दूसरों को लूटते थे, और फिर वही हाथ थे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो क्या परिवर्तन आया उनके अंदर, फिजिकली तो कुछ परिवर्तन नहीं आया ना, उनका एनाटॉमी या फिजियोलॉजिकली कुछ परिवर्तन नहीं है, साइंटिफिक तौर से आप नहीं समझा सकते कि क्या परिवर्तन आए। बस यही भेद है विज्ञान और फिलोसॉफी के अंदर, विज्ञान और तत्वज्ञान के अंदर। यहाँ पे वाल्मीकि महाराज पहले भी वही थे, साधना के दौरान भी वही थे, और साधना के बाद में भी वही थे। विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो उनका एनाटॉमी भी वही था, उनका फिजियोलॉजी भी वही था ना, लेकिन क्या अलग हुआ। तत्वज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक वाल्मीकि जो लुटारू थे, जो डाकू थे, दूसरे वाल्मीकि जो साधक थे, और तीसरे वाल्मीकि जो ऋषि थे, उनके अंदर बहुत अंतर है। ये तत्वज्ञान आपको समझाता है, और ये एनर्जी साइंस है। उनकी एनर्जी जो नेगेटिव एस्पेक्ट में, जो डिस्ट्रक्टिव लेवल पे, जो दूसरों को नुकसान करने में यूज हो रही थी, उसी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रक्रिया बताया नारद मुनि ने, उस एनर्जी को चैनलाइज किया नारद मुनि ने, उनको साधना का मार्ग बताया, और साधना के मार्ग के ऊपर वो साधक बने, वो तपे, तब वो एनर्जी क्या हो रही थी, चैनलाइज हो रही थी, न्यूट्रलाइज्ड हो रही थी, और फिर उसी एनर्जी को पॉजिटिव वे में जब उन्होंने उपयोग किया, तो उसी एनर्जी की मदद से उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि रामायण का रचना किया। अब इसको आप साइंटिफिक वे से कैसे समझाएंगे, कुछ चीजें बियॉन्ड साइंस होती हैं, जैसे कि होम्योपैथी। वो उससे भी ऊपर है, वो उससे भी ऊपर है। लोग इसको जो भी बोलें, हमारा काम लोगों को जवाब देना नहीं है, हमारा काम क्या है, हनीमैन के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, काम बोलता है। उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा, आप बस एपोरिज्म फॉलो कीजिए। आपका मिशन क्या होना चाहिए, टू रिस्टोर, टू सीक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। और आपका क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। जवाब अपने आप मिलेगा। अब मालूम चल रहा है, वही एनर्जी, वही आदमी, लेकिन एक गुरु के संसर्ग में आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ। उसी तरह से आप भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, जिनके पास से आपको सीखने की चाह हो, उनके पास जाइए, वहां बैठिए, 2 महीना 3 महीना 5 महीना 12 महीना उनसे सीखिए, रिसेप्टिव बनिए। उनको वहां बैठ के जज मत करिए, ये अच्छा ही कर रहा है कि गलत कर रहा है। आप जब तक जज क्यों, कब करेंगे आप, जब आप ऐसा मानेंगे कि मुझे आ रहा है, मुझे मालूम है। अगर आपको सीखना है तो अनलर्न व्हाट यू लर्न, सब कुछ खाली होके जाइए, खाली पात्र के अंदर भरा जाता है। अगर एक डोल पानी का पूरा भरा ही हुआ है, फिर भी आप उसको नल के नीचे रखेंगे तो क्या होएगा, कुछ भी नल के अंदर नहीं जाए, डोल के अंदर नहीं जाएगा, नल में से जितना भी पानी गिरेगा वो सब बह जाएगा। तो उसी तरह से किसी के पास अगर आपको सीखना है तो खाली होके जाइए, रिसेप्टिव बनिए, वो जो कहते हैं उसके ऊपर सोचिए, उसका प्रयोग कीजिए, फिर अगर आपको नहीं जमता है तो छोड़ दीजिए,
उनको जमता है तो वो कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी करते हो, चाहे 3 मेडिसिन एक साथ देते हो, 5 मेडिसिन एक साथ देते हो, एक मेडिसिन एक टाइम देते हो, एक मेडिसिन का एक डोज देते हो, मदर टीचर साथ में यूज करते हो नहीं करते हो, बायोकेमिक करते हो नहीं करते हो, रिपीटेशन कैसे भी करते हो, पोटेंसी कोई भी यूज करते हो, पहले आप अपना जो भी आपने सीख रखा है उसको छोड़ दीजिए, उससे मुक्त होइए, वही मुक्ति का मार्ग है, और फिर सीखिए। हम गुरुकुल के लोग एक दूसरे से भी सीखते हैं, अलग अलग लोगों से भी सीखते हैं, आपकी कमेंट्स के ऊपर से भी सीखते हैं, आपके प्रश्नों के ऊपर से भी हमको सीखने को मिलता है। सो हमारा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट दें कि उनको क्या लगा, उनको कैसा लगा, उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, उसके ऊपर से भी सीखने को मिलेगा। सो ये सीखने का प्रक्रिया है और इस तरह से ही सीखा जाता है और यही गुरुकुल है। नारद मुनि ने क्या कहा, हे वाल्मीकि, मैंने भी साधना की है, तपस्या की है, उसके ऊपर से मुझे रिजल्ट मिले हैं, तो मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करता हूं, आप भी साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि हमारा गुरुओं ने हमें यही सिखाया है, इस तरह से कीजिए रिजल्ट मिलता है, उस तरह से आप भी कीजिए, अच्छा लगे आपको तो कीजिए। वाल्मीकि महाराज को अच्छा लगा कि नारद मुनि कह रहे हैं तो बात में कुछ सत्य लग रहा है, तथ्य लग रहा है, तो उन्होंने किया। आपको भी लगे कि हमारी बात में कुछ तथ्य है, कुछ सत्य है, तो कीजिए, समर्पित होइए। हम बार बार आपको कहते हैं कि 25 बार वीडियो देखिए तो 25 बार देखा जाना चाहिए, इसको समर्पण कहा जाता है। आप अपनी मर्जी हुई तो 2 मिनट देखा, मर्जी हुई तो नहीं देखा, मर्जी आई तो पढ़ा, मर्जी हुई तो नहीं पढ़ा, तो नहीं सीख पाएंगे। सीखने का ये पूरा माइक्रो प्लानिंग है और ये लर्निंग का प्रोसेस है। इतना समर्पित होइए कि आपके ऊपर इतनी धूल चढ़ जाए कि उसमें जीव जंतु रहने लगे, फिर भी तपस्या का मार्ग नहीं छोड़ना है। एक रात में क्या वाल्मीकि ऋषि बन गए थे? नहीं बने थे ना, पूरा प्रोसेस पास किया था। तो एक रात में होम्योपैथी नहीं आ जाता है, एक रात में आप सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। इट इज जर्नी, तपस्या करना पड़ता है पूरा, और वो तपस्या कीजिए। एपेटाइट, एनोरेक्सिया विथ ग्रेट थर्स्ट एंड रेवनस एपेटाइट सून आफ्टर इनिंग, खाना खाने के बाद में भूख लग जाना, जो वर्म्स के अंदर भी सोराइनम इंडिकेटेड मिल सकता है। ग्रेट थर्स्ट बहुत जाना, डिजायर फॉर एसिड बियर चारकोल एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग। अब इनडाइजेस्टेबल थिंग वाला बच्चा आया हमारे पास तो हम उसको कूद के कैलकेरिया दे देते हैं। कई दफा सोराइनम भी सोचिए, बहुत खाता है डॉक्टर साहब, रात को भी उठ उठ के खिलाना पड़ता है, और क्या इसको सब कुछ खाने की आदत है, इनडाइजेस्टेबल थिंग, बंदा बहुत चिली है और बार बार इन्फेक्शन होते जाते हैं, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन मिली तो वहां पे सोराइनम भी सोचना है। मालूम चला किस तरह से सीखना है, किस तरह से प्रयोग करना है और किस तरह से जिंदगी जीना है। तो ये था सोराइनम। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, और हमने आपको पीपीटी बनाने का काम इसीलिए दिया है कि ताकि आप एक बार पढ़ें, एक बार ध्यान रहे, तीसरी बार टाइप करें ताकि आपको वो याद रहे, उसको उस मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं करना है।